Hey guys, welcome to my channel. This is Fashion Your Chetna. और in this video मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दो नेचुरल प्रोडक्ट. तो अगर आपको ये जानने हैं कि मैं इस वीडियो के साथ में कौन से नेचुरल प्रोडक्ट की बात करने जा रही हूँ, वैसे आपको वीडियो का टाइटल देख के पता चल गया होगा कि मैं कौन से नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ. तो चलिए मेरे वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहिए. अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए. अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए. चलिए मैं आप लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ कि ये कैसे हैं. तो मैं यहाँ पर रिव्यू करने जा रही हूँ प्लम नाइट शेल के बारे में. और वो जो है इस कार्डबोर्ड पैकेजिंग के अंदर आता है. और इसकी जो बॉटल आती है वो कांच की बॉटल आती है. इस पर ये सिल्वर टाइप का कुछ कैप आता है, प्लास्टिक का होता है बट इस पर सिल्वर कलर का पेंट किया हुआ है, तो आप इसको सिल्वर बोल सकते हैं. और इसके ऊपर ये पैकेजिंग आती है, ये कैप आता है इस टाइप का. ये जो जेल है वो एकदम नेचुरल बेस जेल है, ऐसा इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है. और 100% नेचुरल इसको बोला गया है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ग्रीन टी एंड गोल्जी, ये सब एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये. और जब मैंने इसे यूज़ किया, यू नो नाइट जेल हम क्यों यूज़ करते हैं, जब आप नाइट जेल सपोज आप नाइट में कोई क्रीम यूज़ कर रहे हो और आपकी ऑयली स्किन है, तो वो क्रीम जो है आपके फेस को ज़्यादा ऑयली बना देती है और एकदम ग्रीसी बना देती है. और आप मॉर्निंग में उठते हो तो भी आपको ऑयली टच मिलता है, तो उससे हमारी फेस को न्यूट्रिशन की बजाय और एक्ने स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं. तो नाइट जेल जो होता है हमें इस टाइप का जेल यूज़ करना चाहिए जो एकदम लाइट वेट हो और हमारी स्किन को ज़्यादा ग्रीसी नहीं बनाए, क्योंकि जब नाइट में हम सोते हैं तो सबसे रिलैक्स वाला टाइम हमारे फेस को नाइट में ही मिलता है. तो उस टाइम पर हम ऐसी लाइट वेट क्रीम या ऐसा कोई नाइट का लाइट जेल लगाएं, तो जो कि हमारी स्किन को ऑयली करने की बजाय थोड़ा ज़्यादा उसको हाइड्रेट करे और एकदम लाइट वेट फील दे, तो हम सुबह जब उठें तो हमें कोई नाइट मतलब कोई ग्रीसीपन नहीं दिखे. तो हमें इस टाइप का नाइट जेल यूज़ करना चाहिए. मैं ये नहीं कहती आप प्लम का नाइट जेल यूज़ करो, जो भी मार्केट में आपको नाइट जेल पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हो, या कोई भी ऐसी क्रीम जो एकदम लाइट हो, आपको ज़्यादा ऑयली नहीं करे आपकी स्किन को, वो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपकी ऑयली स्किन है ऑलरेडी. तो अगर ड्राई स्किन है तो उनको तो बहुत लाइट वेट फील होगा कोई भी क्रीम के अंदर. तो इस नाइट जेल को यूज़ करने के बाद जो मैंने फील किया है, ये इतना लाइट वेट है, इतना लाइट वेट है. और इसका जो हाइड्रेशन पावर है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है. मैं जब इसको नाइट में लगा के सोती हूँ फेस वॉश करने के बाद में, तो मेरा चेहरा जो है एकदम लाइट फील होता है मुझे, और एकदम रिलैक्स फील होता है. और सुबह जब मॉर्निंग में उठ के देखती हूँ तो मुझे अपना फेस जो है हल्का सा ग्लो सा दिखता है. इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने एक्ने रिड्यूस कर देगा या आपके एक्ने के जो स्पॉट्स हैं वो रिड्यूस कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर. बस ये आपके फेस को जो है हाइड्रेट करता है और आपकी फेस को थोड़ा हल्का सा ग्लोइंग बनाता है. और ऑब्वियसली बात है, नाइट में आपकी बॉडी जब रिलैक्स फॉर्म में होती है तो आपके चेहरे को थोड़ी हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशमेंट की ज़रूरत होती है. तो आप कोई भी नाइट जेल या कोई भी अच्छी नेचुरल क्रीम जो होती है वो आप लगा सकते हो. तो मुझे ये नाइट जेल का सबसे अच्छा फ़ायदा यही लगा है कि ये फेस को लाइट बनाता है, हाइड्रेट करता है, न्यूट्रिशमेंट प्रोवाइड करता है, और हल्का सा मुझे मॉर्निंग में जो है बहुत ग्लो सा फील होता है अपना फेस. तो इसलिए मुझे ये नाइट जेल जो है बहुत अच्छा लगा. अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपके एक्ने स्पॉट कम कर देगा या आपके एक्ने कम कर देगा, ऐसा इसका कोई एडवांटेज नहीं, बट आपकी स्किन को ग्लो ज़रूर बनाता है, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी. और मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ, ये इतना ज़्यादा पतला है, आप देख सकते हैं. आपको इतना सा पिक करना है, मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर आपके पूरे फेस को जो है ये कवर कर लेता है. आपको कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना पतला है और बहुत जल्दी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी इसकी. सेकेंड प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो प्लम का ही ये मॉइस्चराइज़र है, ये ग्रीन टी मॉइस्चराइज़र है. पहले वाला जेल था वो भी ग्रीन टी नाइट जेल था और ये भी जो है वो ग्रीन टी का है, तो ऑब्वियसली बात इनके अंदर ये सब एंटीऑक्सीडेंट है. और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 100% नेचुरल है, तो ये 100% नेचुरल होगा ही. बट मैंने जब इसे यूज़ किया, ये इस टाइप से पैकेजिंग के अंदर आता है, स्प्रे बॉटल की जैसे, आप इसको इस टाइप से पिक कर सकते हो और अपने हैंड पे लगा सकते हो. मैं आपकी इसकी थिकनेस दिखाती हूँ, ये भी बहुत लाइट वेट है. लगाने के बाद में स्मॉल क्वांटिटी ही ये आपके पूरे फेस को कवर कर लेता है और बहुत लाइट वेट फील होता है, ऐसा ग्रीसी बिल्कुल नहीं लगता आप दिन में लगाते हो तब. और जिसकी ड्राई स्किन है मैं आप उनको सजेस्ट करूँगी ये मॉइस्चराइज़र नहीं परचेस करें, और जिनकी मीडियम है या ऑयली स्किन है वो इसे इजीली लगा सकते हैं. बहुत जल्दी से देखो ये अब्सॉर्ब हो गया है
और आप इसे विंटर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल और ऑयली स्किन है तो आप इसे समर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे बहुत लाइट वेट लगा और फेस को बहुत जल्दी से कवर कर लेता है, और ऐसा इसकी बहुत माइल्ड स्मेल आती है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत क्यूट लगी, एकदम स्लिम बॉटल है, एकदम बहुत अच्छी पैकेजिंग है इसकी। मुझे पैकेजिंग भी इसकी बहुत अच्छी लगी, स्मेल भी बहुत अच्छी लगी, और लाइट वेट है, स्किन को ग्रीसी नहीं बनाता है, और मुझे इसका कोई एडवांटेज नहीं लगा कि ये एक्ने कम करता है। हाँ, इसको लगाने के बाद मुझे पिम्पल ज़रूर नहीं आए हैं, तो मुझे लगता है ये एक्ने शायद रिड्यूस करता है। बाकी मुझे और कुछ नहीं लगा कि स्पॉट कम करता है, ग्रीसीपन नहीं देता है, बट एक्ने नहीं आए तो मैं सोच सकती हूँ कि ये एक्ने रिड्यूस करता है। सो गाइस, ये थे मेरे दोनों नेचुरल प्रोडक्ट प्लम के रिव्यू, नाइट जेल एंड मॉइस्चराइजर के। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, बाय बाय।